बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ फारूक आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। दिस इज माय नसीब एंड आई हैव डन माय फार्मेसी फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी एंड एमफिल इन फार्मा सब्जेक्ट्स आल्सो फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिहाइड्रेशन। आज हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ठीक है, और अलामत क्या होती हैं, कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, इसको कैसे जांच कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की, किसी को देख के हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर पानी की कमी हो गई है, ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, मतलब इलाज कैसे कर सकते हैं, और डिहाइड्रेशन से हमारे जिसम में कौन कौन सी पेचीदगियाँ जो है वो हो सकती हैं। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देती हूँ कि डिहाइड्रेशन होती क्या है। आमतौर पर जिसे पानी की कमी कहते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें पानी और नमकियात की जिसम में कमी हो जाती है उस हालत को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि दो रीजन होती हैं, दो वजूहत होती हैं। या तो ऐसा होता है कि पानी की कमी जिसम में होती ही क्यों है, एक तो ये वजह हो सकती है कि हम पानी ठीक से पीते नहीं है, ठीक है, और दूसरी वजह जो होती है वो पानी तो हमारे अंदर मौजूद होता है लेकिन वो एक्सेसिव लॉस हो रहा होता है। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, जिसम से ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है, निकल रहा होता है। ये दो मेन रीजंस होती हैं, दो मेन बड़ी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से होती है। डिहाइड्रेशन की दर्जा बंदी अगर की जाए तो इसको हम माइल्ड भी कहते हैं, माइल्ड का मतलब होता है हल्की सी, मॉडरेट भी कहते हैं, मॉडरेट का मतलब होता है दरमियानी लेवल की, और जो होती है स्वीयर, स्वीयर का मतलब होता है शदीद किस्म की। अगर डिहाइड्रेशन पानी की कमी और नमकियात की कमी बिल्कुल थोड़ी सी है तो उस कंडीशन को हम माइल्ड डिहाइड्रेशन कहते हैं, लेकिन अगर इतनी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है तो उस कंडीशन को हम मॉडरेट यानी कि दरमियानी दर्जे की डिहाइड्रेशन कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा शदीद वाली पानी की कमी है तो फिर इसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके बाद हमारी आ जाएंगी वजूहात के बाद अलामत कौन कौन सी होती हैं। इसमें अलामत बेसिकली मुंह का खुश्क होना, प्यास का ज़्यादा लगना, जो हमारा यूरिन होता है वो येलो कलर का हो जाता है, सबसे अर्ली साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना उसके डिहाइड्रेशन के देखे जाते हैं। एक तो प्यास बहुत लगती है और दूसरी जो होती है कि जो यूरिनेशन होती है वो येलो हो जाती है पानी की कमी की वजह से। नेक्स्ट होता है इसका आंखें जो है वो जैसे अंदर धुंध जाती हैं, इस तरीके से लगता है जैसे सिंकी आइज कहते हैं, ठीक है, ये इसकी अलामत में हो गई। नेक्स्ट जो है हम जांच कैसे करते हैं, इसके लिए स्किन टर्गर टेस्ट होता है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है स्किन टर्गर टेस्ट, जिसके जरिए हम डिहाइड्रेशन का डायग्नोज करते हैं या पता चलाते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। थर्ड जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं डिहाइड्रेशन की। ऑब्वियसली पानी की कमी हो रही है नमकियात की तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि इस कमी को पूरा कर सकें, ठीक है, जैसे ORS यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं इसको डिटेल में। आप लोगों ने जो डिहाइड्रेशन है इसमें इन पॉइंट्स को कवर करना और राइट करना। डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन यानी कि डिहाइड्रेशन की तारीफ, डिहाइड्रेशन की वजूहात, डिहाइड्रेशन की अलामत, उसकी जांच और डिहाइड्रेशन का इलाज, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने, इन फाइव पॉइंट्स को जो आप लोगों ने कवर करना और इस तरतीब के साथ समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन होती क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जिसम में पानी और नमकियात की मिकदार उतनी नहीं होती जितनी कि इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, सिंपल। जिसम में जब किसी भी वजह से पानी और नमकियात की कमी हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नमकियात क्या होते हैं, हमारे जिसम में अहम किरदार अदा करते हैं। इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट जो है वो जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, मुख्तलिफ जो है किरदार अदा करते हैं। तो अगर इनकी कमी हो जाती है पानी के साथ, ठीक है, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि काजेस क्या होते हैं। काजेस का मतलब होता है रीजंस, वजूहत क्या होती है डिहाइड्रेशन की। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिहाइड्रेशन की दो वजूहत होती हैं,
डिहाइड्रेशन की दो वजूहत होती है। एक जो फर्स्ट मेन रीजन होती है वो ये कि पानी जो है वो माया यानी कि जिस्म से ज्यादा खारिज हो रहा होता है, और दूसरी होती है पानी ना पीने की सूरत में, या दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, पानी ना पीने की सूरत में, ठीक है, पानी कैसे जाया होता है जो है हमारे पास फर्स्ट, अगर हम पहले को देखें माया जाया होने की सूरत में कौन कौन सी हालतें होती है जिसमें जिस्म से माया खारिज हो रहा होता है। उल्टी आना, वॉमिटिंग किसे कहते हैं, इस डायरिया हो जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज है जैसे डायबिटीज है, ठीक है, उसमें क्या होता है ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा पेशाब आता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस, हमारे वाटर लॉस जो होते हैं हमारी बॉडी से ज्यादा हो रहा होता है। और कुछ मेडिसन्स, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो खाने के बाद जो होता है जिसम से पानी का लॉस यानी कि यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है, जिन्हें पेशाब आवट अद्वियात कहा जाता है, जो ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। ये हो गया। और दूसरी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये भी काज हो सकती है जिसमें माया जो है हमारे जिसम से खारिज हो रहा होता है। और इसके अलावा दूसरी है जब हम पानी पी ही नहीं रहे होते, ठीक है, दूसरा पानी का ना इस्तेमाल करना, उसमें क्या रीजन हो सकती है, उसमें हो सकती है कि भूख का मर जाना, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, गले पड़ जाना, या मुंह का पक जाना जिसमें पानी का टेस्ट भी जो है वो नहीं पिया जा रहा होता। तो ऐसी जो बीमारी होती है उसमें पानी वाटर इंटेक कर ही नहीं होते, ठीक है। बच्चों में यूजुअली जो डिहाइड्रेशन होती है उसकी वजह यही होती है कि वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या उनमें लिक्विड्स का और इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा इंटेक नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजूहत क्या है जो आप लोगों ने राइट करनी है। डिहाइड्रेशन जिस्म से ज्यादा माया जाया होने, काफी मिकदार में पानी ना पीने, या दोनों सूरतों में हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि क्या होता है इसहाल यानी कि डायरिया में आंतों के अज़ला तेजी से हरकत करते हैं जिसकी वजह से पानी जस्ट हुए बगैर तेजी से जिस्म से खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो डायरिया होता है, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, कल प्रीवियस लेक्चर में हमें पढ़ा था वाटरी लिक्विड जो होते हैं वो स्टूल का पैसेज होता है मोर देन 3 times a day। तो इसमें ये होता है कि जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होता तो इस तरह से डायरिया इस हाल की कंडीशन हो जाती है। निज़ाम वायरस, बैक्टीरिया जिसमें साल्मोनेला, शिगेला, कैंपाइलोबैक्टर, इकोलाई ये होते हैं जो कि, और रोटा वायरस होता है वो भी इसहाल काज करता है, इसहाल की रीजन है सबसे बड़ी, ठीक है। आंतों के पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या की वजह बनते हैं, मतलब ये सारे उन्होंने बताया कि वायरस, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो वॉमिटिंग की वजह बनते हैं। शीरखोर बच्चे कौन से होते हैं, ऐसे बच्चे जो अभी दूध पी रहे होते हैं उन्हें हम शीरखोर बच्चे कहते हैं, और बूढ़े लोग और बीमार लोगों को डिहाइड्रेशन से ज्यादा खतरा होता है। क्यों उन्हें ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी, उनके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कमजोर हो गई होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जरासीम का अटैक ज्यादा हो सकता है और वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की दर्जा बंदी के लिहाज से इसमें आप लोगों ने लिखना है कि डिहाइड्रेशन की दर्जा बंदी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, माइल्ड यानी कि बहुत कम सी, ठीक है, मॉडरेट दरमियानी दर्जे की, और सीवियर शदीद। डिहाइड्रेशन की दर्जा बंदी जिस्म से माया की कमी हुई है या कितनी कमी पूरी ना की गई है, ठीक है, ये शो करती है, ये हमें दिखाती है। माइल्ड डिहाइड्रेशन जो कि माइल्ड, मॉडरेट और शदीद हो सकती है, 3 वही पॉइंट्स इसने बता दिए एक लाइन में। आप लोगों ने लिखनी है हेडिंग्स बना कर लिखने, डिहाइड्रेशन जिंदगी के लिए खतरनाक इमरजेंसी होती है, अगर डिहाइड्रेशन की पहचान हो जाए और फौरी तौर पर इलाज हो जाए तो आमतौर पर मरीज बच जाता है। शदीद डिहाइड्रेशन के हालत में इलाज ना किया जाए तो दौरे पड़ सकते हैं, दिमाग को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंच सकता है, या फिर मौत वाकया हो सकती है। डिहाइड्रेशन में ऐसा क्या होता है पानी की कमी की वजह से कि इंसान की डेथ हो जाती है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा जिस्म जो है हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ चला जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम, वोलेमिक वॉल्यूम, एंड शॉक जो शॉक है उसमें जैसे कि जिस्म अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में चला जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो हमारा किडनी फेलियर भी हो सकता है, इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी हो सकता है, और हमारा जो होता है ब्रेन ये भी कोमा में जा सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन की अलामत क्या होती हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं।
अलामत मुंह का खुश्क होना, थर्स्ट, ठीक है, मुंह का चिपचिपा होना, ये आप पेशे कराने दे इसको, मुंह का खुश्क होना ड्राई माउथ लिखेंगे, और पेशाब का कम आना या गहरा और गाढ़ा और पीला रंग का आना। अर्ली सिम्टम्स जो होती है, सबसे पहली जो होती है वो प्यास, और जो हमारे यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। हमारे यूरिन का कलर जो होता है वो क्लियर होता है। अगर बिल्कुल सफेद और क्लियर कलर का यूरिन आता है तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर येलोइश हो सकता है कलर, तो इसका मतलब ये इशारा हो सकता है कि डिहाइड्रेशन भी हो सकती है आपकी बॉडी में, ठीक है। और बच्चों में इसका क्या होता है कि अगर जब वो रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, पानी की कमी की वजह से ही होता है। धुलसी हुई आंखें, ये बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, जिसे संकर आइज भी कहते हैं, यानी कि ऐसे रहता है कि आंखें बिल्कुल दबी हुई है पीछे की तरफ, और स्किन जो है वो हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ठीक है, और हॉर्न फट जाते हैं। जैसे ये कंडीशन होती है, सारी की सारी जो होती है डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है। शीर ख्वाब के सर पर नरम जगह पर बैठ जाना, शदीद डिहाइड्रेशन की सूरत में निढाल या बेहोश हो जाना, जिसे हम अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है, वो भी हो सकती है। देख लेते हैं हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिम्टम्स हैं। थर्स्ट, यानी कि प्यास लगती है, ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क हो जाना, ड्राई स्किन, स्किन का हमारी जिल्द का खुश्क हो जाना, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का कम आना, हेडेक, सर दर्द, रैपिड हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ठीक है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये भी एक सिम्टम होती है। क्यों बढ़ती है दिल की धड़कन? पानी की कमी की वजह से दिल की धड़कन का वाला क्या काम होता है? तो इसके बारे में मैं आपको जनरल सा कंसेप्ट देती हूँ। जब हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था तो उसके दो पार्ट्स पढ़े थे, प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का 55% तकरीबन होता है, तो उसमें से भी 90% प्लाज्मा में वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। जब पानी की कमी होती है जिस्म में, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, यानी कि हजम है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट है, हमारे दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी बीट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए पानी की कमी की वजह से हार्ट बीट जो होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने डायग्नोस कैसे करना है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम पता भी चल गया कि क्यों हो रही है डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन वो की दो वजूहत हो गई, एक तो या तो हम ज्यादा माया नहीं ले रहे उस सूरत में होती है, दूसरी ये कि हमारे जिस्म से ज्यादा लॉस हो रहा है वाटर का और फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसा कि पसीना ज्यादा आ रहा है, उल्टी आ रही है, वोमिटिंग हो रही है। नेक्स्ट है कि जांच कैसे कर सकते हैं आप हमें, ठीक है, कैसे पता चलेगा, स्किन टर्गर टेस्ट होता है जिसके जरिए हम जांच करते हैं कि कैसे कैसे डिहाइड्रेशन है कि नहीं है। इस तरह से देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा हाथ है इसकी बैक साइड को लेके दो फिंगर्स में पिंच करते हैं, मतलब चुटकी से, चुटकी जैसे काटते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं स्किन को, अपने जिल्द को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। अगर ये फौरन अपनी शेप में वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, लेकिन अगर ये शेप में वापस आने में टाइम लगे इसको, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है वो पानी की और फ्लूड की कमी, वो पानी की और नमकियात की कमी है, ठीक है। ये सिंपल सा टेस्ट है जो सबसे पहले किया जाता है डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए, डॉक्टर्स जो है इसी को सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। जांच कैसे की जा सकती है, सबसे पहले पॉइंट आप लोगों ने यही लिखना है, ठीक है, कि स्किन की लचक कम हो जाती है, आम हालत में स्किन दिल की चुटकी लेके छोड़ें तो फौरन दिल अपनी हालत में वापस आ जाती है, लेकिन डिहाइड्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे वापस आती है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेटे हुए मरीज को उठने पर ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, दिल की धड़कन का ज्यादा हो जाना, और ये सारी अलामत है और इनकी रीजंस मैं आपको बता दिए कि क्यों हार्ट बीट, यानी कि दिल की धड़कन तेज होती है पानी की कमी की वजह से। इसको हम स्किन टर्गर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे इसकी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट भी हम कहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का इलाज क्या होता है, किस वजह से हो रही है, पानी की कमी की वजह से, नमकियात की, तो इसलिए ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, ऐसी चीजें लेनी होगी जिसमें पानी की और नमकियात का जो है हमारे शरीर में लेवल जो है वो कंपनसेट कर दे। तो देख लेते हैं इसको, हैजा या वायरस की वजह से इस हाल की बीमारी में जिसम
से माया का खराज बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली जब भी हम डिहाइड्रेशन को करते हैं तो उसके लिए हमारे पास थेरेपीज होती हैं, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्योंकि पानी की कमी हो रही होती है इसलिए हम जिसे निमकोल जैसे जिसे आम जुबान में कहते हैं वो इस्तेमाल कराते हैं ताकि पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो नमकियात की कमी है वो जल्दी पूरी हो जाए। जिसको देख लेते हैं, हैजा या वायरस की वजह से होने वाले इसहाल की बीमारी में जिस्म से माया का अखराज बहुत ज्यादा हो जाता है जबकि निज़ाम के जज्ब करने का अमल सुस्त हो जाता है। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम बड़ी मिकदार में जिस्म से खारिज हो जाते हैं। मुंह के जरिए नमकीन सोलूशन देना फायदेमंद साबित नहीं होता क्योंकि इसहाल की बीमारी में निज़ाम में सोडियम जज्ब होने का अमल भी नाकारा हो जाता है, इसलिए पानी और सोडियम जज्ब हो ही नहीं पाते बल्कि आंतों में सोडियम की ज्यादती इसहाल को और ज्यादा कर देती है। नमकीन सोलूशन को अगर ग्लूकोज में मिला के दिया जाए तो एक नया अमल शुरू हो जाता है। ग्लूकोज इसहाल से मुतासिर हुए बगैर जज्ब हो जाता है। घर पर इसहाल का इलाज करने के लिए इंतहाई अहम नुकता यह है कि माया की कमी को पूरा किया जाए और मुनासिब और काफी मिकदार में खुराक भी जारी रखी जाए। मायात देने के अलावा उम्र के लिहाज से मुनासिब खुराक भी दी जाए। इसमें आप लोग जस्ट ये लिखेंगे कि डिहाइड्रेशन का सिंपल सा यही लिखेंगे कि डिहाइड्रेशन का इलाज करने के लिए जरूरी है कि जिस्म में माया की कमी को पूरा किया जाए। इसके लिए मुनासिब मिकदार में माया इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारे नमकियात की कमी को भी पूरा करे और साथ में मुनासिब और काफी गजा भी खाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है शीरखोर बच्चों को ज्यादा माँ का दूध या बोतल का दूध दिया जाए और बड़े बच्चों को भी माया ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। वही के माया की कमी होगी है, हमारे लिक्विड की पानी की कमी होगी, इसलिए इनका ज्यादा से ज्यादा इनटेक कराना आप लोगों ने। इस हाल की वजह से होने वाले डिहाइड्रेशन के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जिसे ORT या ORS जो होता है वो हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है वो देते होते हैं। ठीक है, इसका जिसको निमकोल वगैरह भी कहते हैं, बहुत ही आराम से और गैर पेचीदा और सादा सा इलाज होता है। शदीद बीमार होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जो इसका इलाज है ना डिहाइड्रेशन का, वो हम दर्जा बंदी की जो हमने पढ़ी है ना 3 दर्जा बंदी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिहाइड्रेशन माइल्ड सी है, थोड़ी सी है, तो वो तो इसके जरिए कमी के जरिए ORS के जरिए या ORT जो होती है हमारी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इसके जरिए पूरी हो जाती है। अगर डिहाइड्रेशन जो है हमारे पास दरमियानी दर्जे की है जिसे हम मॉडरेट कहते हैं, तो सूरत में साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, इनके अद्वियात का भी इस्तेमाल किया जाता है और ORS जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन अगर जो है हमारे पास डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी शदीद किस्म की है तो इस सूरत में क्या किया जाता है, IV लाइन के जरिए ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तब ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है और IV का ये फायदा होता है कि जो दवा वगैरह है हमारी वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में चली जाती है, टाइम बच जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। देख लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन नाकिस गुज़ाइयत और मौत जैसी पेचीदगियों से बचाया जाता है फौरी इलाज करने से। ठीक है, इसका अगर आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, और ORS के केस में ये बात आप लोगों ने इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो ORS है वो जो इसहाल है हमारा यानी कि डायरिया है उसको ख़त्म नहीं करता। ठीक है, लेकिन होता क्या है उसको रिकवर कराते हैं। जो डायरिया की वजह से हमारे जिस्म में पानी का नमकियात का लॉस हो रहा होता है उसको फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, खत्म हो सकने टाइम पे ही होना है। ठीक है, जब जरा जो उसका बेसिक कॉज है जो जरासीम है, ठीक है, वो खत्म होगा या कोई जो रीजन है जब वो ट्रीट हो जाता है तब इसका वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा उसको रिकवर कर देने में मदद देगा। देखते हैं कि ORS का क्या होता है कि कैसे होता है, ORS बना किन किन चीजों से होता है। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके मुताबिक घरेलू निमकोल की तरकीब सिर्फ 1 लीटर पानी साफ या उबले हुए ठंडे पानी में जो है वो हमने यानी कि आधा छोटा चम्मच नमक और 4 बड़े चम्मच चीनी के डाल के उसको बना लेना है। ORS के पैकेट्स भी मिलते हैं, ठीक है, और आप घर में भी बना सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 लीटर पानी लेना है आपने यानी कि 1000 ml पानी लेना है। उसमें क्या करना है आपने
कि आधा चम्मच जो होता है छोटा वो नमक का डालना है और 4 बड़े चम्मच चीनी के डालने हैं। पानी को उबालना है, उबालने साफ होना चाहिए, पानी को उबालना है। उबालने के बाद ठंडा करके इसके अंदर मिक्स करने हैं नमक और चीनी, और फिर बच्चे को जो भी पेशेंट है उसको हमने इंटेक करवाना है, इनके पिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि अवेलेबल फॉर्म में होता है ORS, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। सोडियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, और इसके अलावा जो है वो पोटाशियम सिट्रेट भी होता है, वो यहाँ मेंशन नहीं है। ग्लूकोज, ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या करना होता है, सिंपल ORS बनाते कैसे हैं, पानी को उबाल लेते हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं जब वो नीम गर्म होता है, तो एक साशे जो है उसे घोल के उसमें बना के रख देते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को पिलाते रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये होती है कि ORS सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जो आप लोगों ने बनाया है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है, यानी कि उसको वेस्ट कर दें, जाया कर दें, फिर आप उस वाले ORS को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बनाने का तरीका कि ORS कैसे बनता है। 1 लीटर साफ पानी या उबले हुए और ठंडे किए हुए पानी में हल करें 1 पैकेट जो होता है। ठीक है, जो है क्या क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन तैयार करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। सोल्यूशन साफ सुथरे बर्तन में बनाए, नमक छोटा आधा चम्मच और 4 बड़े चीनी या 1 पैकेट ORS को 1 लीटर पानी में हल कर दें। सोल्यूशन को हिलाएं ताकि अच्छे से हल हो जाए। अपने और बच्चे के हाथों को पिलाने से पहले साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। बीमार बच्चे को सिर्फ जरूरत के वक्त थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिलाएं, बार बार पिलाएं। बच्चे को माँ का दूध और जूस भी साथ में दें। अगर बच्चा 4 माह का हो या बड़ा हो तो ठोस गजा भी साथ दे सकते हैं। बच्चे को 24 घंटों के बाद भी ORS पिलाना हो तो ताजा सोल्यूशन बनाओ। ORS इसहाल रोकता नहीं है बल्कि बच्चे को मुरझाने से रोकता है। इसहाल अपने आप रुक जाएगा। अगर बच्चा उल्टी करे तो 10 मिनट इंतजार करें और फिर से ORS दें। आमतौर पर उल्टी रुक जाती है। अगर ज्यादा हो या उल्टी बरकरार रहे तो बच्चे को हेल्थ क्लिनिक पे ले जाएं। मॉडरेट टू शदीद, मॉडरेट यानी कि जो दरमियाने होता है उसका, और मॉडरेट टू सवेर आप लिखेंगे या लिखेंगे दरमियाने दर्जे से शदीद डिहाइड्रेशन में मरीज को अस्पताल दाखिल किया जाता है, और जरिया वरीड यानी कि IV लाइन के जरिए मायात दिया जाते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन होती क्या है, इसके रीजंस क्या होती है, बेसिकली पानी की नम क्या होती है, कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्यों होती है, जब पानी का और फ्लूड का मायात का हमारे जिसम से ज्यादा खराब हो रहा हो इसको कहते हैं, और दूसरी बात जब पानी की कमी हो रही हो, ज्यादा पानी ना पिया जा रहा हो। ठीक है, अलामत क्या होती है, हमारा ड्राई माउथ हो जाता है, सिंक की आइस जो होती है यानी कि दूसरी आंखें वो, और यूरिनेशन येलो कलर की हो जाती है। मैनेजमेंट में हमने ORS इस तरीके से देना होता है, और कौन से लोग होते हैं जिनमें डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा खदशा होता है, जो ओल्ड एज पीपल है, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, शीत पार्टी बच्चे होते हैं, इनमें जो होता है वो ज्यादा अंदेशा होता है। क्यों, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो भी अक्सर पानी इतना नहीं पीते, अक्सर बड़ी एज में ओल्ड एज में आके बहुत सारी मेडिसिन जो होती है वो दी जाती है, जिसकी वजह से जिसमें से बहुत ज्यादा डायूरेटिक भी होती है यानी कि पेशाब आवर्दी होती है, तो इस डर से अक्सर जो है हमारे बुजुर्ग वो पानी इतना नहीं पीते हैं, और बच्चे उनको उनमें भी पानी की जो डिहाइड्रेशन की बेसिक रीजन होती है वो यही होती है कि वाटर इनटेक नहीं हो रहा होता। इसकी मैनेजमेंट भी पढ़ ली कि कैसे करते हैं, दर्जाबंदी के लिहाज से करते हैं, दरमियाने दर्जे अगर बिल्कुल हल्का सा है तो जस्ट ORS देना है, अगर दरमियाने दर्जे का है तो आपने मेडिसिन साथ देनी है ORS की, और अगर सवेर या शदीद किस्म का है तो फिर आप हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को, और हॉस्पिटल में जो है वो आपने IV के जरिए मायात और मेडिसिन देनी होती है। ठीक है, कौन कौन से दिए जाते हैं, बेसिकली रिंगर सोल्यूशन और डेक्सट्रोज का सोल्यूशन लगाया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो साथ में डिहाइड्रेशन के लिए यही चीज दी जाती है, डेक्सट्रोज का और रिंगर सोल्यूशन होता है वो लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।